हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे रेनी सीजन स्पेशल क्रिस्पी कॉर्न। इसके लिए मैंने कॉर्न ले लिए हैं, स्वीट कॉर्न, और उसके दाने छिलके रख लिए हैं। उसके लिए ले लें कॉर्न फ्लोर 2 टेबलस्पून, 1 टेबलस्पून चावल का आटा, 1 टीस्पून काली मिर्ची का पाउडर, टेस्ट के हिसाब से नमक ले लें, और लाल मिर्ची पाउडर ले लें 1/2 टेबलस्पून। अब सबसे पहले हम पानी में जो स्वीट कॉर्न है बॉइलिंग वाटर में डालेंगे और इसे 5 मिनट तक इसी तरीके से बॉईल कर लेंगे। बॉईल करने के बाद ये जो कॉर्न है अच्छी तरीके से फूल जाएंगे, साइज़ में बड़े हो जाएंगे, और जब ये इस तरीके से ऊपर आने लग जाए उसमें हम थोड़ा सा नमक ऐड करेंगे और स्टोव ऑफ कर दें और इन कॉर्न में से पानी छान लें। तो इन कॉर्न्स को थोड़ा ठंडा होने दें। अब इस कॉर्न को हम इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे, काली मिर्ची पाउडर, नमक, और अच्छी तरीके से पहले मिक्स कर देंगे। इसमें हमें ऐड करना है कॉर्न फ्लोर, राइस फ्लोर, और हाथों से ही हमें इसे मिक्स करना है ताकि कोटिंग अच्छी तरीके से हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी ये जो कॉर्न होते हैं थोड़े कच्चे होते हैं। बॉईल करने के बाद कोटिंग अच्छी तरीके से हो जाएगी। अगर ज़रूरत पड़े तो थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा, 1 चम्मच उतना आप पानी इसमें ऐड कर सकते हैं सिर्फ कोटिंग के लिए। डीप फ्राई के लिए एक पैन में तेल रख दें गरम करने के लिए। तेल जब लाइट गरम हो जाए तभी हम इसमें कोटेड कॉर्न को ऐड करेंगे। बिल्कुल ही लो फ्लेम पे हमें इस कॉर्न को फ्राई करना है शुरू में, और 1-10 मिनट्स के बाद हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे। हाई फ्लेम पर अगर हम इस कॉर्न को तलेंगे तो ये चटकने लग जाएंगे और फूटने लग जाएंगे, तो कंपलसरी हमें इसे बहुत ही लो और लो से मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई करना है। तो 15 मिनट इसे फ्राई करना पड़ेगा बिल्कुल ही सिंपल लो फ्लेम पर, तो हमारे क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी हो जाएंगे। टेस्ट में बड़े ही मज़ेदार बनते हैं। तो एक्सेस ऑयल निकालने के लिए इस तरीके से जाली का इस्तेमाल करें। अब दूसरा बैच भी मैं इसी तरीके से फ्राई कर लूँगी। कम्प्लीटली हर बैच को हमें 15 मिनट्स तक लो फ्लेम पर फ्राई करना है। बीच बीच में हल्के हाथों से आप इसे मिक्स कर लेते हुए फ्राई करें और इस तरीके से एक जाली में निकालें ताकि एक्सेस ऑयल निकल जाए। ज़रूर आप स्ट्रिप का इस्तेमाल करें। देखिए क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी हो गए हैं। इसे और भी मज़ेदार बनाने के लिए हम इसे एक बाउल में डालेंगे। डालने के बाद इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर और टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर देंगे। चाहे तो आप चाट मसाला यूज़ कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी है। मैंने सिर्फ लाल मिर्ची और नमक मिलाया है और इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। देखिए मज़ेदार क्रिस्पी कॉर्न बन के रेडी हो गए हैं। जो हमें रेस्टोरेंट में मिलते हैं सेम वही टेस्ट आता है। ज़रूर आप इस रेसिपी को इस रेनी सीज़न में ट्राई करें। फ्रेंड्स, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और कंपलसरी बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।